मेरे बच्चों, आज हम कक्षा 11 में अफवाह तंत्र जो आपका चैप्टर है उसी से संबंधित हम आज जो है अफवाह तंत्र में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदियों के बारे में हमने आपको उस दिन अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा किए थे। पुनः फिर आज हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र ये प्रवाह नदियाँ जो होती है, बहाव की जो नदियाँ होती हैं वो बहती हैं, लेकिन आज यहाँ जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो दिया है वह ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपके जो है यह एक तरह से कहा जाए कि अभी सबसे जो है बड़ी नदियों में एक ब्रह्मपुत्र नदी का भी नाम आता है। यह नदी जो है आपके जो है मानसरोवर जो है आपके जो है कैलाश पर्वत एक श्रेणी है, पर्वत है जो मानसरोवर झील से जो है यह निकट है और वहीं से जो है यह नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है निकलती है। और यह ब्रह्मपुत्र नदी आपके ठीक गुहार के अंत में जो है आपके जो यह अरुणाचल प्रदेश आसाम नगर जो है आपका जो क्षेत्र है इसी भाग में जो है आपके जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है विद्यमान है। और यह जो है तिब्बत के एक शुष्क भाग में जो है विद्यमान है, यहाँ तक कि जो है बहती हुई जो है इसकी इस मैदान जो है समतल भूभाग है, जो यह भूभाग जो है आपके 1200 जो है ये 1200 की जो आपके किलोमीटर की दूरी में जो है यह फैला हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका मैदान जो कहा जाए इस तरह का जो है यह जिसका अर्थ होता है शोधक है। यह ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपके हिमालय के जो है चम आपके जो है नमचा परवा के निकट गहरे समुद्र में महाभूत का भाग जो है बहती हुई जो है नदी जो है बहती हुई जो है यह हिमालय के गिरपद से यह रिंग में जो है गिरती है। यह ब्रह्मपुत्र जो नदी है दक्षिण पश्चिम दिशा में जो है बहते हुए जो है इसकी जो है दक्षिण पश्चिमीय नक्शे में जो है आपके यह दक्षिण का हिस्सा है, तो दक्षिण पश्चिम में जो है बहती हुई जो है यह लोहित में जा करके जो है मिल जाती है। असम घाटी में अपने जो है लगभग कहा जाए कि 750 किलोमीटर तक यह असम का जो क्षेत्र है इस असम के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र की जो है एरिया है जो हिस्सा है वह जो है वहां तक जो है अपनी जो है 750 किलोमीटर की जो है या 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपके आती है। या ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपके इसकी जो है कुछ सहायक नदियाँ जो भी होती है, जबकि यह दाएं के तट पर जो है आकर के ये दाएं का हिस्सा भी किनारे का हिस्सा है मिलती हुई जो है आपकी एक बंगाल की खाड़ी उधर में जो है दिखती है। यह ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपके यहीं पर जो है एक बांग्लादेश है, बांग्लादेश जो है आपके ये बांग्लादेश का भी हिस्सा जो है ब्रह्मपुत्र नदी का जो है माना जाता है। और यह ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश
धार में जाकर के बहती हुई ये निकलती है और जो इसके दाएं किनारे पर मिल जाती है। यह अपारण और अपसे के कारण नदियों में कभी कभी जो है, क्योंकि मिट्टी का जब कटान होता है तो निश्चित तौर पर जो है नदी का पीली में जब जो है मलबा और ये सब जो आकर के बैठ जाता है, बैठने के बाद से जो है इस नदी का जो है हान जो होता है कभी बाढ़ की भी संभावना बनी रहती है। तो प्रायद्वीपीय आज मैं यहाँ पे एक चीज एक और बता दी हम आपको कि प्रायद्वीपीय भाग प्रायद्वीपीय ये प्रायद्वीपीय जो है आपके अपवाह तंत्र है। ये अपवाह तंत्र जो है आपके अपवाह तंत्र, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत एक जो है प्रायद्वीपीय, क्योंकि हमने आपको बहुत पहले जो है महाद्वीप और महासागर और द्वीप और प्रायद्वीप के बारे में हमने आपको जो है बताए हैं कि महाद्वीप भूमि के बहुत बड़े भाग को स्थल भाग को हम महाद्वीप कहते हैं, जल के बहुत बड़े भाग को महासागर कहा जाता है, द्वीप जो चारों ओर जल से घिरे हुए भाग को जो है द्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीप जो तीन ओर जल से घिरे हुए भाग को हम प्रायद्वीप कहते हैं। चूंकि भारत जो है आपका इधर दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में आपका जो है अरब सागर है। तो यह जो आपके बंगाल की खाड़ी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर यानी तीनों जल से भारत आपका जो है घिरा हुआ है, इसलिए भारत को हम प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। पहले शासन बनाई गई है यानी क्या है स्थल भाग है, इस भाग में जो है बहुत सारे जो है नदियाँ जो है निकलती है। ये सारे जो नदियों का जो अपवाह तंत्र जो होता है वह जो है आपकी जो है हिमालय से निकलती है और हिमालय जब जानते हो हिमालय जब बर्फ जब पिघलता है तो बहुत सारे बहाव के साथ वो निकलती हुई चली जाती है। इस तरह से जो है प्रायद्वीपीय तंत्र की जो है यह नदियां हैं जो बहती हुई जाती है। तो इस प्रकार कहा जाए ये नदियां जो है प्रायद्वीपीय भाग की नदियां जो है आपके जो है यह एक बहुत प्राचीन काल में एक यहाँ पर तेथिस अंगारा और गुरुद्वारा लेन का हिस्सा था। यह भूभाग में एक यहाँ पर अंगारा लेन है उत्तर की ओर और गुरुद्वारा लेन आपका दक्षिण की ओर। तो इन्हीं मामले के प्रभाव से जो है हिमालय की जो है उत्पत्ति भी हुई और हिमालय की उत्पत्ति के बाद से उन दरारों में कुछ पानी भी भर गया, यहाँ पर पानी भर गया जिससे सागर महासागर और नदियों का प्रवाह दिशा जो है बहने लगी। तो इस तरह से प्रायद्वीपीय तंत्र की जो नदियाँ हैं वह आपके जो है कुछ ऐसी भी नदियाँ होती हैं
जो आपके पूरब से पश्चिम की ओर और पश्चिम से पूरब की ओर दक्षिण की ओर, ये पश्चिम की ओर सारी जो नदियाँ जो है नदियों का जो है बहाव होता है, तो पश्चिम की ओर जो है बहने वाली कुछ जो है नदियाँ होती हैं जो अरब सागर की ओर जो है बहने वाली नदियों का जो जलमार्ग छोटा होता है। ये अरब सागर में आकर जो है गिर जाती है, या अरब सागर जो पश्चिम की ओर, क्योंकि हमारा अरब सागर पश्चिम में है, ताप्ती नर्मदा ये नदियाँ हैं जो आके आपके जो है अरब सागर में आकर के जो है गिरती है। इसके बाद से जो है आपके ये नदियाँ जो है आकर के गिर जाती हैं और गिर करके इनको नाम कर देती है। आज हम जो है यह कुंड में ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय के जो है मानसरोवर झील से जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी जो है यही जो है आपकी जो है कैलाश पर्वत है, जो कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से जो है यह सापु यह भाग से जो है ये निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी जो है जाकर के मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो एरिया जो है असम और जो है आपके बांग्लादेश का हिस्सा को भी जो है यहाँ लाभदायक पहुँचाती है। तो इन नदियों में जो है लाभदायक होने के नाते जो है आपसे हम बता दें कि बहुत ही योगदान है इन नदियों का, जिसे कृषि कार्य करने के लिए, पशुओं को पानी के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, ये सारे जो है आपके जो है इन नदियों से जो है आपका काम चल जाता है। इसके बाद से जो है यह सब जो है ये मिलती है और यह निश्चित तौर से जो है यह जो साबरमती और ढाबा पानी ये जो भी जो नदियाँ हैं यह जो है अरब सागर में गिर जाती है। इस प्रकार जो है यह पूरब की ओर जो है बहने वाली जो है छोटी सी नदियाँ हैं, जो स्वर्णरेखा नदी है, वैतरणी नदी है, जो ये नदियाँ जो होते हैं पूरब की ओर बहती हुई जाकर के जो है पूरब की ओर से बहने वाली छोटी नदियाँ हैं, स्वर्ण नदी है, वैतरणी नदी है, ब्राह्मणी नदी है और जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो यह पूरब की ओर से जो है बहती हुई यह प्रस्थान करती है। तो इस तरह से जो है नदी का उपयोग सीमा ये सब आप पढ़े। इसके बाद से जो है आपको जो है अब हम पुनः फिर से जो है अगले चैप्टर की ओर हम पढ़ेंगे। यह चैप्टर जो है आपका तीसरा चैप्टर है अपवाह तंत्र है आपका समाप्त हुआ। और फिर हम प्रथम खंड में आपको हम बताएंगे कि क्या उसमें करना है। इसलिए यह जो खंड है आपका यह भारत का भौतिक पर्यावरण आपका जो खंड है, तो भारत का भौतिक पर्यावरण जो विश्व का जो है
तो खाने का मतलब ये आप जानेंगे इसको। और यह दूसरा खंड है, तो इस तरह से जो है या हम कल जो है प्रथम खंड के बारे में आपको